फाइनेंशियल ईयर 2022 का आखिरी महीना यानी मार्च शुरू हो चुका है। अगर आपने पैन को आधार से लिंक नहीं कराया तो जल्द करा लें, वरना ₹1000 की लेट फीस देनी पड़ सकती है। वहीं फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन टैक्स फाइल करने में परेशानी और भारी जुर्माना भी देना पड़ सकता है। अगर आपने टैक्स इन्वेस्टमेंट नहीं किया है तो जल्द ही कर दें। आप PPF, सुकन्या समृद्धि योजना, 5 साल की FD और ELSS आदि में निवेश करके सेक्शन 80C से टैक्स में छूट ले सकते हैं। प्रधानमंत्री वय वंदन योजना में आप 31 मार्च तक ही निवेश कर पाएंगे। ये 60 साल और उससे अधिक उम्र के नागरिकों के लिए एक पेंशन योजना है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम अमृत कलश इसी महीने खत्म होने वाली है। इसके तहत सीनियर सिटीजन को 7.6% और अन्य लोगों को 7.1% सालाना ब्याज दिया जा रहा है।